अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज बनाने जा रही हूँ पत्ता गोभी गोश्त। आप लोग देख सकते हैं ये पत्ता गोभी है, इसको धो के साफ़ करके कट करके रख ली हूँ। इसी तरीके से कट कर लेती हूँ मैं। ये गोश्त को भी धो के साफ़ करके रख ली हूँ। ये टमाटे है चार, इसको भी धो के कट करके साफ़ करके रख ली हूँ। ये मिर्ची है, ये अदरक लहसुन पेस्ट है, ये हल्दी है, ये तेल है, ये नमक है, ये खोटी मिर्च, इसको भी धो के कट करके साफ करके रखी हूँ। ये 6-7 हरी मिर्ची है, इसमें मैं ऐसा कट लगा लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊँगी। आप लोग देख सकते हैं मैं पूरे मसाले गोश्त में मिला दी हूँ। मैं ये गोश्त का पानी भुने के बाद आप लोगों को बतलाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मसाला गोश्त का अच्छी तरीके से भुने गया है। आप लोग देख सकते हैं मेरा गोश्त गलने के लिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं। अब मैं ये 3 सीटी लगा दूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं मेरा गोश्त अच्छी तरीके से गल चुका है, मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुकी हूँ। अब मैं ये पत्ता गोभी डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं बहुत मज़े की बनती है पत्ता गोभी। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से पका के देखिए। इसको रोटी के संगत भी खा सकते हैं, खाने के संगत भी खा सकते। बहुत झटपट बनती है ये पत्ता गोभी गोश्त। आप लोग देख सकते हैं थोड़े से टमाटे भी डाल रही हूँ। मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। ये 1 सीटी पे गल जाती है। जब गलने पर आप लोगों को बतलाऊंगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब मैं इसको 1 सीटी लगा लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पत्ता गोभी गोश्त अच्छे से गल चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मेरे सालन की। अब मैं थोड़ा सा खोटी मिर्च डालूंगी दम पे। अब मेरा सालन तैयार हो चुका है। अब मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं ये था मेरा पत्ता गोभी गोश्त का सालन। आप लोग भी एक बार मेरी तरीके से बना के देखिए। मैं आप लोगों को चख के बताऊँगी। अब माशाल्लाह यम्मी 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 बना है। मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफिज़।